वेलकम अनदर एपिसोड फ्रॉम करबला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकाम इमाम जमाना अलैहिस्सलाम पर, जो कि मशहूर है कि ये इमाम इमाम जमाना अलैहिस्सलाम से मंजूब है। मैं आपको इसकी तारीख बता देता हूँ। ये वो मकाम है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जीन से जमीन पर आए थे, यानी घोड़े से जब गिरे थे, तो ये जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरे थे। आगाह हैरी फरमाते हैं कि इमाम जमाना अलैहिस्सलाम इस जगह पर आकर अक्सर रोया करते थे और फरमाते हैं, हा हुना सकत जद्दी अल हुसैन, ये वो जगह है जहाँ पर मेरे दादा हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े की जीन से जमीन पर आए थे। और जब इमाम जमाना अलैहिस्सलाम गैबत सुग़रा में थे, ये वो जगह है जहाँ पर उलमा से इमाम जमाना अलैहिस्सलाम मुलाकात करते थे। और बाज़ जगहों पर उलमा कहते हैं कि बाज़ उलमा को इमाम जमाना अलैहिस्सलाम ख्वाब की हालत में भी इस मकाम पर मिलते हैं। तो आए चलकर मैं अंदर की आपको ज़ियारत। अभी मैं इंटर होने लगा हूँ मकाम इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के अंदर, तो आए चल के आपको अंदर की ज़ियारत करा दूँ। ये वो जगह है जहाँ पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आकर नमाज पढ़ते हैं। उलमा फरमाते हैं यही वो जगह है जहाँ पर अक्सर इमाम ज़माना आया करते हैं। ईरान, इराक, यमन, शाम, फलस्तीन, परेशानियों, मुश्किल, मुसलमान, पाकिस्तान, अच्छा मैं आपको एक बात जिक्र कर दूं, जो लोग यहाँ पर आए हैं या नए आने वाले हैं, तो इसके नीचे जहाँ पर ये जरी बनाई गई है, मकाम इमाम जमाना अलैहिस्सलाम बनाया गया है, इसके नीचे दरियाए फौरात यानी नहर फौरात बहती है। तो अक्सर यहाँ पर ज़ायरीन इस चीज़ में मुशव्विश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हो सकता है, क्योंकि ये तो ऊपर तामीर किया गया है, नीचे नहर बह रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक साइड पर है और इसको तामीर करके वसी इसलिए किया गया है ताकि आने वाले ज़ायरीन के लिए कोई इशू ना बने। अच्छा मैं आपको बता दूं, इस मकाम पर जो भी ज़ायर आता है तो मुस्तहब है दो रकत नमाज हदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ना और ज़ियारत आले यासीन, जो कि वहाँ पर उस जगह पर लिखी हुई है और यहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल हैं, बंदा आसानी से पढ़ सकता है। तो Allah 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 Allah
मैंने अपनी तरफ पूरी कोशिश की जितने अच्छे से मैं कैमरे में कैप्चर कर सकता था मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को कैप्चर किया और आप लोगों को दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। खुदावंद मुताला आपको इस मुकद्दस मकाम पर बुलाए और इस ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।